दोस्तों, ऐसे तो धरती पर हर युग में भगवान ने किसी न किसी रूप में जन्म लिया है, चाहे वह सतयुग में विष्णु अवतार हो या त्रेता का राम अवतार या चाहे द्वापर का कृष्ण अवतार। ये सब युग अपने इतिहास और अधर्म पर धर्म की जीत के लिए जाने जाते हैं। लेकिन धरती पर जो भी जन्मा उसे अपना इंसानी शरीर भी त्यागना पड़ा, चाहे वह दानव हो या भगवान। लेकिन आज हम सतयुग या त्रेता की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे कृष्ण युग यानी द्वापर के बारे में। पुराणों के अनुसार आज भी धरती पर वो स्थान मौजूद है जहां भगवान कृष्ण ने अपना देह त्यागा था। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के वेरावल में स्थित भालका तीर्थ स्थल के बारे में। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां एक पर्पल का पेड़ है जो करीब 5000 साल पुराना है और अभी तक हरा भरा है। लोक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद 36 सालों तक यादव कुल में ईर्ष्या बढ़ने लगी और सब आपस में लड़ने लगे। इसी कलह से परेशान होकर भगवान कृष्ण सोमनाथ मंदिर से करीब 7 किलोमीटर दूर वैरावल की इस जगह पर विश्राम करने आ गए और ध्यानमग्न मुद्रा में लेटे हुए थे, तभी एक जरा नाम के भील को कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसे लगा कि यह किसी मृग की आंख है और उसने बिना सोचे समझे बस उस ओर ही तीर छोड़ दिया, जो जाके सीधे श्री कृष्ण के बाएं पैर में जा धंसा। जब जरा नामक भील पास पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण को देखकर माफी मांगने लगा और उसने कहा कि हे प्रभु, जिसे मैंने मृग की आंख समझा वो तो आपका बाया पैर था जो मृग की आंख की तरह चमक रहा था। भील जरा को समझाते हुए कृष्ण ने कहा कि क्यों व्यर्थ ही विलाप कर रहे हो, जो भी हुआ वो नियति है, मैं मनुष्य रूप में हूँ, मुझे भी ये शरीर त्यागना ही होगा। बाण लगने से घायल भगवान कृष्ण भालका से थोड़ी दूर पर स्थित हिरण नदी के किनारे पहुँचे। कहा जाता है कि उसी जगह पर भगवान पंचतत्व में ही विलीन हो गए। हिरण नदी सोमनाथ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो आज भी भगवान श्री कृष्ण का प्रमाण देती है, जहाँ आज भी भगवान के चरणों के निशान मौजूद हैं। इस जगह को आज भी दुनिया भर में देहोत्सर्ग तीर्थ के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर आज भी पुराणों में लिखी हर घटना को चित्रों से दर्शाता है, जहां भगवान कृष्ण और जरा के बीच हुई बातचीत की मुद्रा और अनेकों चित्र। दोस्तों, भालका मंदिर का जीर्णोद्धार सोमनाथ ट्रस्ट ने करवाया, जिसकी मूर्ति स्थापना 1967 में भारत के उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा की गई। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय श्री राम।